बीजेपी के नेता उमेश अग्रवाल ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि टिकट नहीं मिलने पर सीएम मनोहर लाल को उन्होंने जिम्मेदार बताया है। तो गुरुग्राम से विधायक हैं उमेश अग्रवाल, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया और इसे को लेकर नाराजगी उन्होंने अपनी जाहिर की है और उसको जिम्मेदार सीएम मनोहर लाल को बताया गया है और कहा है कि अभी कुछ और गर्दन कटना बाकी है। तो एक इशारा यहां पर किया गया है उमेश अग्रवाल के जरिए और कहा है कि अभी और कई लोगों की गर्दन कटना बाकी है। दरअसल अपनी 90 की 90 सीटों के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। 12 और उम्मीदवारों के नाम यहां पर आने बाकी थे, लेकिन कल उसको लेकर भी नामों का ऐलान कर दिया है। और जिस तरह से गुरुग्राम से उमेश अग्रवाल का टिकट कटा है उसको लेकर उन्होंने सीधे निशाना साधा है सीएम मनोहर लाल पर और उनका कहना है कि मेरा अगर टिकट कटा है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम मनोहर लाल है। तो आपको बता दें कि इस बार कई विधायक जो है उनके टिकट काटे गए हैं। बताया गया है कि उनका जो परफॉर्मेंस था, जिस तरह की उम्मीद थी, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा और इसी के चलते उनके टिकट काट दिए गए। और उनमें से एक नाम शामिल गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल का भी है, जिसको लेकर उन्होंने अब अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि अभी कुछ और गर्दन कटने भी बाकी है। तो इशारा किस और उमेश अग्रवाल का जाता है ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जिम्मेदार यहाँ पर सीधे तौर पर अपनी टिकट कटने को लेकर उन्होंने सीएम मनोहर लाल को बताया है। तो कई दिनों तक यहाँ पर आपको बता दें कि टिकटों को लेकर मंथन चलता रहा, लेकिन इस बीच कई जब विधायकों को टिकट कट गए तो बगावती सुर यहाँ पर सुनाई देने को मिल रहे हैं।